हेलो बच्चों, तो कैसे आप लोग। आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड डूइंग वेल स्टडी। मैं हूं सुबोध जाधव और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 का जो हिस्ट्री है उसमें से फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें से जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फिफ्थ पॉइंट, जिसका नाम है विजुलाइजिंग द नेशन। नेशन को किस तरह से विजुलाइज किया जाएगा ये आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। देखिए, ये चैप्टर जरा सा बड़ा है। इस हर एक पार्ट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इसका एक मास्टर वीडियो भी मैं अपलोड करने वाला हूं, जो आपको उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, या फिर आप आई बटन पर जाकर वो पूरा चैप्टर वन टाइम में वन शॉट में समझ सकते हैं। ओके, चलिए फिर बिना बात गवाए शुरू करेंगे आज का टॉपिक जो है विजुलाइजिंग द नेशन। नेशन को किस तरह से विजुलाइज किया गया ये टॉपिक को समझने के लिए। फिफ्थ पॉइंट है विजुलाइजिंग द नेशन, राष्ट्र की कल्पना करना। विजुलाइज का मतलब होता है कि कल्पित या फिर काल्पनिक रूप से प्रेजेंट करना। तो इस पॉइंट से हम समझ सकते हैं कि नेशन को क्या किया जाएगा, यहाँ पे स्पेस दिया जाएगा। अगर आप किसी राजा के बारे में बात कर रहे हैं ये, तो आप उसकी क्या बना सकते हैं, पेंटिंग बना सकते हैं, या फिर उस राजा की आप क्या कर सकते हैं, तो स्टैचू बना सकते हैं। एग्जाम्पल लीजिए, छत्रपति शिवाजी महाराज है, या फिर छत्रपति संभाजी महाराज है, या फिर पृथ्वीराज चौहान है। ओके, सम्राट पृथ्वीराज चौहान हो गए, या फिर आप उसे देख, आप देख सकते कि सम्राट विक्रमादित्य हो गए। इन्हें हम क्या कर सकते हैं, इनका फोटो बना सकते हैं, इनका स्टैचू बना सकते हैं। ओके, मगर राष्ट्र को किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल था उन दिनों में आर्टिस्ट लोगों के सामने, कि आपको देश को भी क्या करना है, एक क्या करना है, फेस देने का काम करना है, चेहरा देने का काम करना है। तो ये एक बड़ा सवाल था आर्टिस्ट लोगों के सामने, और यही हम समझने वाले इस वीडियो में कि राष्ट्र को किस तरह से फेस दिया गया, कौन सी चीजों को उनके सामने उनके साथ प्रेजेंट किया गया एज ए सिंबल के तौर पर। ओके, ये हम अभी समझेंगे। तो देखिए क्या दिया, देखो आर्टिस्ट इन द 18th एंड 19th सेंचुरी, जो 18th और 19th सेंचुरी के जो आर्टिस्ट थे, ओके, फाउंड अ न्यू वे आउट बाय पर्सोनिफाइंग अ नेशन। जिन्होंने क्या किया, तो नेशन को पर्सोनिफाई किया। पर्सनिफाई करना मीन्स मानवीकरण करना, जो ह्यूमन की क्वालिटीज है वो देना। तो नेशन को क्या किया, तो इन आर्टिस्ट ने क्या किया, तो क्वालिटीज दिए, कौन से ह्यूमन क्वालिटीज दिए। इसका मतलब है कि उन्होंने नेशन को किस तरह से प्रेजेंट किया, तो बाय पर्सोनिफाई किया, उन्हें मानवीय रूप दे दिया, किसे, तो नेशन को। ओके, उन्होंने एक नया वे फाइंड आउट किया था नेशन को, नेशन का मानवीकरण करने का। कब, 18th और 19th सेंचुरी में। दे रिप्रेजेंटेड अ कंट्री, उन्होंने देश को रिप्रेजेंट किया एज इट वर अ पर्सन। उन्होंने ऐसे रिप्रेजेंट किया देश को कि जैसे नेशन, राष्ट्र या फिर कंट्री जो एक क्या है, तो पर्सन है, एक व्यक्ति है। इस तरह से उन्होंने क्या किया, तो रिप्रेजेंट किया कंट्री को। ओके, 18th और 19th सेंचुरी में। नेशंस वर देन पोर्ट्रेट एज अ फीमेल फिगर। नेशन को, देश को, नेशन को क्या पोर्ट्रेट किया उन्होंने, तो पोर्ट्रेट एज द फीमेल फिगर, एक नारी के रूप में उन्होंने देश को प्रस्तुत किया। ओके, सबसे पहले शुरुआत तो हो गई थी फ्रेंच रिवोल्यूशन से शुरुआत हो गई थी। वहां के आर्टिस्ट लोगों ने फ्रेंच या फ्रांस को क्या किया, तो एक फीमेल फिगर के रूप में प्रस्तुत किया था। ये भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ये भी रेफरेंस आने वाला है आने वाले पॉइंट में। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि 18th और 19th सेंचुरी के जो आर्टिस्ट है उन्होंने देश को किस तरह से पोर्ट्रे किया एज अ फीमेल फिगर, नारी के रूप में उन्होंने देश को प्रस्तुत किया। ओके, और द फीमेल फॉर्म दैट वॉज चोजन टू पर्सोनिफाई द नेशन डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वुमेन इन रियल लाइफ। और जिस फीमेल फिगर को उन्होंने पर्सोनिफाई किया, या फिर जो जिस तरह से उन्होंने नेशन को मानवीकरण किया, नेशन का मानवीकरण किया एक फीमेल फिगर के रूप में, ओके, फीमेल के रूप में, नारी के रूप में उन्होंने जिस तरह से प्रस्तुत किया, असल में वो नारी जो थी वो रियल लाइफ में थी ही नहीं, उस तरह की नारी ही नहीं थी। उसे इमेजिन करके, उसे विजुलाइज करके कि ये है अपना देश, ये है हमारा राष्ट्र, और उस तरह की नारी जो थी असल लाइफ में, रियल लाइफ में वो प्रेजेंट ही नहीं करती थी, या फिर एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, इमेजिनरी वो उसे कह सकते नारी थी या फिर फीमेल फिगर था। Rather, it sought to give the abstract idea of the nation a concrete form. जो abstract idea थी, जो लोगों की सोच थी, उसे क्या किया इन आर्टिस्ट लोगों ने, concrete form दे दिया, इसे ठोस स्वरूप दे दिया। जो सोच रहे थे कि एक देश ऐसा होना चाहिए, एक नारी ऐसी होनी चाहिए, तो उसे उन्होंने क्या किया, तो concrete form में क्या किया, तो उन्होंने प्रस्तुत किया, उसे एक ठोस रूप दे दिया, प्रदान कर दिया उस चित्र को। ओके, इसका मतलब नारी को उन्होंने एक फीमेल फिगर के रूप में प्रस्तुत किया, जो कल्पना थी उसे क्या कर दिया, तो concrete रूप में उन्होंने प्रस्तुत कर दिया। That is, the female figure became an allegory of the nation. और female figure जो है, नारी का रूप जो है, वो क्या बन गई, तो allegory बन गई of the nation. Allegory means रूपक. अभी allegory का क्या मतलब है, ये हम पहले समझ लेंगे। Allegory को हिंदी में कहा जाता है रूपक। अभी इसका मतलब क्या है, definition आपके सामने screen पे दी गई है। देखो, जो abstract ideas है, जैसे कि greed का मतलब है लालच, envy का मतलब होता है ईर्ष्या, freedom का मतलब होता है स्वतंत्रता, liberty का मतलब होता है मुक्ति। ये जो कुछ abstract ideas है, अमूर्त कल्पनाएं,
जो जिंदा है क्या नहीं, जिनको जिनको कुछ हम उससे कैसे, वो जिंदा चीजें है क्या, लालच आप देख सकते हैं क्या नहीं, ये अमूर्त कल्पनाएं अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है, तो इन्हें क्या किया जाएगा, एक्सप्रेस किया जाएगा एज ए पर्सन, एक पर्सन के तौर पर जब इसे एक्सप्रेस किया जाएगा, एक चीज के तौर पर जब इन्हें एक्सप्रेस किया जाएगा तब उसे कहा जाएगा एलिगरी। और यही चीज जो थी आर्टिस्ट लोगों ने की थी, उन्होंने नेशन को एक फीमेल एलिगरी बनाया, उन्होंने नेशन को दिखाया एज अ फीमेल, फीमेल के तौर पर दिखाया, एक जिंदा एक महिला के रूप में दिखाया, तो इसे इसलिए कहा गया कि फीमेल एलिगरीज जो है वो क्या बन गई थी नेशन के लिए, फीमेल जो थी वो नेशन के लिए एलिगरीज बन चुकी थी। ओके आप सबको याद होगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान जो आर्टिस्ट लोग थे उन्होंने क्या किया था, तो फीमेल एलिगरी का यूज किया था, नारी का जो रूपक है उसका यूज किया गया था, कौन सी आइडियाज को शो करने के लिए, लिबर्टी स्वतंत्रता, जस्टिस मीन्स न्याय, और रिपब्लिक मीन्स गणतंत्र, इन्हें गणतंत्र इन्हें दिखाने के लिए जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो आर्टिस्ट थे उन्होंने फीमेल एलिगरी का यूज किया गया था। जैसे कि अब ये जो आइडियाज है जैसे लिबर्टी जस्टिस और रिपब्लिक, ये क्या रिप्रेजेंट करते थे, दिस आइडियाज वर रिप्रेजेंटेड थ्रू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स, इन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया गया, तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का यूज किया गया, कि सर्टन चीजों का यूज किया गया, कुछ सिंबल्स का यूज किया गया, इन सब आइडियाज को रिप्रेजेंट करने के लिए, शो करने के लिए। जैसे कि हम सब जानते हैं, एज यू वुड रिमेंबर, आपको याद होगा कि जो लिबर्टी है, लिबर्टी को किस तरह से दिखाया गया, तो रेड कैप और द ब्रोकन चेन, ये सिंबल रखे गए लिबर्टी के लिए, इसका मतलब है लिबर्टी, कौन से है, द ब्रोकन चेन, टूटी हुई जंजीरें, रेड कैप पहना है, क्या था वो, लिबर्टी का सपोर्ट कर रहा है, स्वतंत्रता को सपोर्ट कर रहा है, इस तरह से इसे रिप्रेजेंट किया, इसे इस ब्रोकन चेन, ये ऑब्जेक्ट हो गया, रेड चीज भी, रेड कैप भी एक ऑब्जेक्ट हो गया, वो ये सिंबल के तौर पर यूज किया गया एज अ लिबर्टी के। उसके साथ ही साथ जस्टिस, जस्टिस का मतलब है न्याय, ओके, या फिर उसे इंसाफ कह सकते हैं, जस्टिस इज जनरली अ ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन, जस्टिस अभी जनरली इसे क्या यूज किया जाता है, जस्टिस के लिए एक ब्लाइंड फोल्ड वुमेन है, स्क्रीन पर आप उसका फोटो देख रहे, देखो कि इस तरह से तराजू उसके हाथ में होती है वेइंग, और उसके सर पे क्या पट्टी लगी होती है, तो इस तरह से यूज किया जाता है किस लिए, तो जस्टिस को शो करने के लिए। ओके तो इस तरह से क्या किया गया, तो फ्रेंच आर्टिस्ट जो थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान उन्होंने ये सब चीजें बनाई थी। ओके इस तरह से ही फीमेल एलिगरीज का यूज किया गया बाय द आर्टिस्ट इन द 19th सेंचुरी, इस तरह के फीमेल एलिगरीज को इन्वेंट किया गया, इन्वेंट करना मीन्स एक्सप्लोर करना, ढूंढना, फाइंड आउट करना, 19th सेंचुरी में, टू रिप्रेजेंट द नेशन, किस लिए, टू रिप्रेजेंट द नेशन, नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, नेशन को प्रस्तुत करने के लिए, इसी तरह से फीमेल एलिगरीज क्या की, तो ढूंढी गई 19th सेंचुरी में। मैं फिर से बता रहा हूं कि जो फीमेल एलिगरीज बनाई गई, जो फीमेल उन्होंने यूज की वो रियल लाइफ में नहीं थी, वो इमेजिनरी वो पिक्चर थे। ओके तो आप फ्रांस का देख सकते हैं, फ्रांस की फोटो भी आपके सामने, देखो ये फोटो जो है वो है किसकी, तो मरियाना की, मरियान। ओके तो ये जो फ्रांस था, शी वॉज, फ्रांस में भी फीमेल एलिगोरी बनाई गई, ओके फ्रांस को रिप्रेजेंट करने के लिए, और उसे नाम दिया गया मरियान, एक पॉपुलर क्रिश्चियन नेम है वो। ओके जो लोगों की आइडियाज को लोग जो है अंडरलाइन द आइडियाज ऑफ द पीपल्स नेशन, जो लोगों की जो आइडियाज उसे रिप्रेजेंट करने का काम इससे हो रहा था, और ये मरियान जो है वो नाम उसे दिया गया था, एक पॉपुलर क्रिश्चियन नेम है वो। स्क्रीन पर मैंने आपको उसका फोटो भी दिखाया, फिर से आप एक बार उसे देख सकते हैं। तो ये जो फोटो है ये किसका है, तो मरियान का फोटो आप देख सकते हैं, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान फ्रेंच आर्टिस्ट ने बनाया था, ये कोई रियल वुमेन नहीं है, एक इमेजिनरी वुमेन है। ओके मरियान की जो फीमेल एलिगरी बनाई गई थी, हर कैरेक्टरिस्टिक्स वर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड द रिपब्लिक, उसके जो चिन्ह थे वो भी स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे। ओके इसका मतलब लिबर्टी और रिपब्लिक के उसके चिन्ह थे, किसके, तो मरियान के। ओके तभी इसमें कौन से क्या चीजें आती है, तो द रेड कैप, द ट्राई कलर, द क्रोकेट, ये सब चीजें उसने वियर की हुई थी। जैसे कि उसने टोपी पहनी है, आपने पहले जो ये फोटो देखी इसमें आप देख सकते कि उसने क्या किया, तो रेड कैप वियर की है। ओके ट्राई कलर है, उसके साथ क्रोकेट भी वहां पर दिखाई देगा आपको, तो ये सब चीजें वहां पर यूज की गई थी। ओके मरियान के लिए किसने की थी, वो तो फ्रेंच के जो आर्टिस्ट थे उन्होंने। ओके और स्टेटस ऑफ मरियान, स्टैचूज ऑफ मरियान were erected in public square, जो statues थे, प्रतिमाएं थी मरियान की, वो क्या की गई, तो फ्रांस में हर जगहों पे, हर चौराहे पे वो खड़े किए गए, उसकी प्रतिमाएं बनाई गई वहां पर, वो हर चौराहे पर वो प्रतिमाएं लगाई गई, टू रिमाइंड द पब्लिक, किस लिए, लोगों को रिमाइंड करने के लिए, लोगों को याद दिलाने के लिए, ऑफ द नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी, ये जो है मरियान जो है ये सिंबल है, नेशनल सिंबल है किसका, तो यूनिटी का, एकता का, ये नेशनल सिंबल बन गई थी। इसका मतलब एकता को दिखाने के लिए मरियान को ही क्या करते थे, वो रिप्रेजेंट करते थे, उसका स्ट्रेटजी यूज करते थे, और ये मरियान को हर स्क्वायर पे लगाया गया लोगों को याद दिलाने के लिए कि ये जो है ये सिंबल है किसका, तो एकता का, यूनिटी का। ओके एंड पर्सुएड देम टू आइडेंटिफाई विद इट, और
इसके साथ लोग क्या कर सकेंगे, तो अटैच कर सकेंगे उसको, देखकर क्या करेंगे तो वो एकता को फील करेंगे। जैसे कि आप देखते, देखो आपने कहीं भी अपना देश का झंडा देख लिया तो आप उससे ऑटोमेटिकली जुड़ जाते हैं, उस फ्लैग से, अपना जो इंडिया का ट्राइकलर, उससे आप जुड़ जाते हैं। तो उसी तरह की कोशिश जो थी फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज ने की लोगों को यूनाइट करने के लिए, मरियन को उन्होंने हर जगह पे इरेट किया कि लोग खुद को उससे अटैच कर सके और एक एकता की फीलिंग उनमें आ सके। ओके, उसके बाद उन्होंने क्या किया, तो जो मरियन है, मरियन है उसे कॉइन पर भी छापा और स्टैंप पर भी छापा। आपने बुक में भी आया है, फोटो आपके सामने है कि स्टैंप जो है उस पर भी उन्होंने क्या किया, तो मरियन की इमेज, मरियन की इमेजेस उन्होंने बनाई। ओके, लोगों को वो हर बार याद दिलाते थे कि ये जो है वो एकता के लिए हमने इसे बनाया है। ओके, इस तरह से फ्रेंच रिवोल्यूशन के दौरान उस मरियन का, ये फीमेल एलेगरी का यूज किया गया था। ओके, उसी तरह से जर्मेनिया, ओके, जर्मेनिया जो थी वो जर्मन नेशन की क्या थी, तो फीमेल एलेगरी थी। ओके, किसके लिए, तो जर्मन जो नेशन है उसके लिए जर्मेनिया जो है फीमेल एलेगरी का यूज उन्होंने किया। जैसे फ्रांस ने क्या किया, तो मरियन का यूज किया, उसी तरह से जर्मन नेशन ने जर्मेनिया का यूज किया। ओके, एक सिंबल के तौर पर, ओके, एक यूनिटी के तौर पर। इंडिया में भी क्या किया, तो भारत माता को यूज किया गया था, भारत माता की जो इमेज उसे यूज किया गया, इसके लिए, तो नेशनल यूनिटी के लिए। ओके, या फिर एक देश को विजुलाइज करने के लिए। उसी तरह से जर्मन नेशन ने भी जर्मेनिया का फोटो बनाया, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अभी, ये फोटो उन्होंने बनाया, ये इमेज उन्होंने बनाई किस लिए, तो जर्मन नेशन को विजुलाइज करने के लिए। जैसे फ्रांस ने बनाया था मरियन को, मरियन ये फीमेल एलिगरी को फ्रांस को विजुलाइज करने के लिए। ओके, एक फेस देने का काम वहां पर किया गया है। ओके, इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन जर्मेनिया वियर, अगर ये फोटो जो आप देख रहे हैं इस पर आप देख सकते हैं कि जो जर्मेनिया है उसने क्या पहना है, तो एक क्राउन पहना है ओक लीव्स का, ओक लीव्स का उसने क्राउन पहना है। और ये जो ओक, जो ये द जर्मन ओक जो है वो क्या है, तो हीरोइज्म को क्या करता है, तो वो रिप्रेजेंट करता है। हीरोइज्म मीन्स वीरता का वो प्रतीक है, ओक जो है, ओक लीव्स, उसे क्या कहा जाता है, तो एकता का प्रतीक कहा जाता है। इसके बाद हम देखने वाले कुछ सिंबल और उसकी मीनिंग क्या है, ये हम अभी समझेंगे। बॉक्स नंबर 3 दिया, देखो मीनिंग्स ऑफ द सिंबल्स, सिंबल जो है प्रतीक जो, उनके अर्थ बताए गए यहाँ पे। तो सबसे पहला एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का मतलब होता है गुण। ओके, और सिग्निफिकेंस मीन्स उसका महत्व। ओके, तो एट्रीब्यूट्स में गुण दिया गया है और यहाँ पे सिग्निफिकेंस का महत्व बताया गया है। तो सबसे पहला देखो ब्रोकन चेन, ये रहा आपके सामने, ये सब सिंबल्स दिए, देखो ये सब एट्रीब्यूट्स या सिंबल्स है। ये जो ब्रोकन चेन दी गई यहाँ पे, ये जो है ये क्या, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो बीइंग फ्रीड, आज़ादी मिलना। ब्रेस्टप्लेट विथ ईगल, इसका मतलब होता है कि ब्रेस्टप्लेट, ओके, यहाँ पे देखो ईगल का ब्रेस्टप्लेट दिया है, तो वो जो है इसका मतलब होता है कि सिंबल ऑफ द जर्मन एम्पायर, स्ट्रेंथ, जर्मन साम्राज्य का प्रतीक, शक्ति उसे दर्शाई जाती है। क्राउन ऑफ ओक लीव्स, ओके, क्राउन जो है ओक लीव का जो मुकुट है उसे का उसे के रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हीरोइज्म, बहादुरी उसे दिखाई जाती है। यहाँ पे देखो आपके सामने वो ओक लीव्स का क्राउन भी है। शॉर्ट, शॉर्ट मीन्स रेडीनेस टू फाइंड, तलवार, तलवार का मतलब होता है कि मुकाबले के लिए तैयार, लड़ाई के लिए तैयार। ऑलिव ब्रांच अराउंड द शॉर्ट, और शॉर्ट के आजू बाजू में जो ऑलिव्स की जो ये है ब्रांच है शॉर्ट के आजू बाजू में, तलवार पर लिट्टी जो डाली है उससे क्या, उससे क्या प्रतीत होता है, तो विलिंगनेस टू मेक पीस, शांति, शांतता की भी चाहत इससे बिलोंग, इस क्या मुझसे कैसे ब्रांच से वो दिखाई जा रही है। ब्लैक रेड एंड गोल्ड ट्राइकलर, ये जो ट्राइकलर दिखाई दे रहा, पीछे जो झंडा दिखाई दे रहा है देखो, ब्लैक रेड और गोल्ड ट्राइकलर का, तो ये जो फ्लैग है, फ्लैग ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट इन 1848 के जो लिबरल नेशनलिस्ट थे उनका ये झंडा है। बैंड बाय द ड्यूक्स ऑफ द जर्मन स्टेट, जिसे जर्मन राज्यों में ड्यूक्स ने प्रतिबंधित घोषित कर दिया गया था, उसे उस पर बंदी ला दी थी, बैन कर दिया था उस झंडे को। रेज ऑफ द राइजिंग सन, उगते सूर्य की किरणें पीछे दिख रहे थे को येलो कलर की, ओके, बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा, ये जो नए युग की शुरुआत है, इस तरह से ये बताया जा रहा है। तो ये जो डायग्राम आपके सामने दिखाई है इसे ही आप क्या बोल सकते हो, प्रतीक है, और इसके बेसिस पर ये इमेज आपको दिखाई देगी। ओके, उन सब प्रतीकों का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। ओके, आई होप कि आपको ये जो वीडियो है आज का वो समझ में आया होगा। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट सूचना कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस चैप्टर की पूरी लिंक्स मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप ये चैप्टर अच्छे से समझ सकते हैं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, देखते रहिए ये अपना यूट्यूब चैनल, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।